जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो हैचेट पार्ट 2 है। ये मूवी अपनी पिछली मूवी से लिंक्ड है। इस मूवी को अंडरस्टैंड करने के लिए पार्ट 1 देखना कंपलसरी है, वरना वीडियो समझ नहीं आएगी। और अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये मूवी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर पार्ट 1 एंड हुआ था, जहाँ क्राउली ने मैरी बेथ को पकड़ लिया था। मैरी बेथ अपनी जान बचाने के लिए उसकी आंख पर मारकर उसकी आंख फोड़ देती है और वो पानी में जा गिरता है। और मैरी बेथ मौके का फायदा उठाकर वहाँ से दूर चली जाती है। तब किस्मत से एक आदमी जैक जो उसे देख लेता है और अपने घर ले आता है। और जैक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को उस सौंप जाने से मना कर रहा था। मैरी बेथ उसे बताती है कि विक्टर क्राउली ने सबको मार दिया है और अब वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तब जैक कहता है कि उसने तो उन सबको रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। वो कहती है कि वो अपने फादर और भाई को यहाँ पर ढूंढने आई लेकिन क्राउली ने तो उनको भी मार डाला। जैक उसे उसका नाम पूछता है, तब वो अपना नाम मैरी बेथ डेंस्टन बताती है। उसका नाम सुनते ही जैक को पता चल जाता है कि ये सैमसन डेंस्टन की बेटी है। जैक उसे कहता है कि वो उसके घर से निकल जाए। तब मैरी बेथ कुछ भी समझ नहीं पाती कि अचानक से जैक को क्या हो गया है। वो एक शॉटगन उठा लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो रेब ज़ॉम्बी के पास चले जाओ लेकिन यहाँ से निकल जाओ। और मैरी बेथ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद जैक को बाहर किसी की आहट सुनाई देती है और वो बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। तभी पीछे से विक्टर क्राउली आता है और उसकी आंधे बाहर निकालकर उसी से ही उसका गला घोटने लगता है। वो इतने बुरे तरीके से इतनी मजबूती से उसका गला घोटता है कि उसका सर ही धड़ से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी बेथ जो सौंप से निकलकर रेब ज़ॉम्बी के पास आ जाती है। ज़ॉम्बी उस वक्त उसे कोई बात नहीं करता और उसे बाद में आने का कहता है। तब वो कहती है कि जैक ने ही उसे यहाँ भेजा है और उसने कुछ जरूरी बात करनी है। और तब वो उसे अंदर बुला लेता है। प्रीवियस नाइट उसके साथ जो इंसिडेंट्स हुए वो सब उसे बता देती है लेकिन वो ज़ॉम्बी सबसे पहले उस बोट के ड्राइवर के बारे में पूछता है और वो कहती है कि वो भी मारा गया है। ये सुनकर ज़ॉम्बी उसे बताता है कि वो बोट उसी की थी और वो चोरी से वो टूर करवाता था और उसी के कहने पर शॉन वो टूर करवाने गया था। मैरी बेथ उसे अपने फादर का नेम बताती है और ये पूछती है कि वो उनके बारे में क्या जानता है। और तब ज़ॉम्बी उसके सामने एक स्टोरी नरेट करता है। वो बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब थॉमस क्राउली नाम का एक आदमी अपनी वाइफ शैनन के साथ उस जंगल में रहता था। शाइन बहुत ज्यादा बीमार थी, उसे स्टमक कैंसर था और ये बीमारी अंदर ही अंदर उसे खा रही थी। शाइन की एक नर्स थी जो उसका चेकअप करने आया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता थॉमस और वो नर्स एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए और ना चाहते हुए भी थॉमस अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था क्योंकि वो हालात से काफी मजबूर हो चुका था। उसकी वाइफ अब सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह थी जो अपने मरने का इंतजार कर रही थी। थॉमस रोज उसे थोड़ा थोड़ा मरता हुआ देख रहा था और उसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था। इस वक्त में जब वो नर्स उसके करीब आई तो वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। काफी दिन तक वो अपने फेयर को शाइन से छुपा कर रखते लेकिन फाइनली वो दिन आ जाता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि शाइन मर चुकी है और उसी दिन वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन लेते लेकिन शाइन अभी मरी नहीं थी और वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और तब वो उनके होने वाले बच्चे को कर्ज देकर मर जाती है। और आखिरकार वो दिन आ जाता है और उनका बच्चा पैदा होता है तो वो इतना बदसूरत होता है कि उसको देख कर ही उसकी माँ मर जाती है। हालांकि थॉमस भी विक्टर से नफरत करता था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसे प्यार भी करने लगता है क्योंकि वो उसका इकलौता बच्चा था। और फिर हेलोवीन की वो रात आती है जब तीन बच्चों की शरारत से विक्टर क्राउली मारा जाता है और 10 साल गुजरने के बाद थॉमस की जिंदगी का भी दी एंड हो जाता है और वो भी मर जाता है। और बस उसी दिन से विक्टर क्राउली हर रात उस सौंप में अपने फादर को ढूंढता है और इस बीच उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मार डालता है। लेकिन इन सब से मैरी बेथ के फादर का क्या लेना देना था। और अब एक बड़ा सीक्रेट एक्सपोज होता है और वो ये था कि विक्टर क्राउली जिन तीन बच्चों की वजह से मरा था उनमें एक मैरी बेथ का फादर था। तब मैरी बेथ ज़ॉम्बी को कहती है कि वो दोबारा से उसे वहाँ लेकर जाए। वो कहती है कि वो अपने फादर और भाई की डेड बॉडी को लाकर दफनाना चाहती है लेकिन ज़ॉम्बी को समझ लग जाती है कि वो सिर्फ रेविंग चाहती है जिसके लिए वो साफ इनकार कर देता है। तब मैरी बेथ पुलिस को उसके इस सॉन्ग टूर के बारे में बताने की धमकी देती है और फिर वो वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाता है लेकिन वहाँ जाने के लिए भी वो एक शर्त रखता है। वो एक आदमी की डिमांड करता है जो मैरी बेथ का अंकल था। तब मैरी बेथ भी उसकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। मैरी बेथ के जाने के बाद ज़ॉम्बी वेल ट्रेन हंटर को इकट्ठा करने के लिए कहता है जिसमें ट्रेंट नाम के आदमी को वो स्पेशली मेंशन करता है। दूसरी तरफ मैरी बेथ अपने अंकल के पास जाती है और उसे सारा इंसिडेंट बता देती है जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि विक्टर क्राउली सिर्फ एक अफवाह है और उसे पुलिस को बताना चाहिए। तब मैरी बेथ कहती है कि एक बार वो उसके साथ उस सौंप पर चलने और वहाँ से आने के बाद वो सब कुछ पुलिस को बता देगी। वो इस बात पर एग्री हो जाता है और वो दोनों वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैरी बेथ फिर से ज़ॉम्बी के पास जाती है और वहाँ पर वो सारे हंटर्स इकट्ठा हो चुके थे। ज़ॉम्बी उन सब हंटर्स को बताता है कि उन्होंने वहाँ पर उसकी बोट ढूंढने जाना है जिसके बदले में वो उन्हें इनाम भी देगा। वो कहता है कि इस बीच उन्हें किसी का शिकार भी करना पड़ेगा। और जैसे ही वो विक्टर क्राउली का नाम लेता है सब वहाँ से उठकर चले जाते हैं और वो आदमी ट्रेंट भी वहाँ से जाने लगता है। तब ज़ॉम्बी उसे डबल मनी का लालच देकर किसी तरह रोक लेता है। वहाँ पर बहुत ही कम लोग रह चुके थे। वो उन्हें कहता है कि बोट लाने की $500 और क्राउली का सर लाने की $5,000 कैश देगा और वो लोग पूरी तैयारी करके वहाँ से निकल पड़ते। वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो जाती है। वो सब वहाँ पर बोट ढूंढने लग जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। टाइम बचाने के लिए वो सब एक दूसरे से अलग होकर बिखर जाते हैं। उन लोगों में मैरी बेथ, उसके अंकल ज़ॉम्बी, जस्टिन और वो आदमी ट्रेंट क्राउली का घर ढूंढने जाते हैं जबकि उन हंटर्स में दो आदमी एलिगेटर्स पकड़ने लगते हैं
क्योंकि उनका मानना था कि विक्टर क्राउली सिर्फ एक कहानी है, रियलिटी नहीं, और उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की बजाय वो एलिगेटर्स पकड़कर पैसा कमाए। और तभी उन्हें क्राउली की आवाज सुनाई देती है और वो सोचते हैं कि शायद उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तभी एक हंटर आगे बढ़ के चेक करने की कोशिश करता है और झाड़ियों में से क्राउली निकल कर आता है जो उसे दबोच लेता है। वो हैचेट से उसे बार बार मारकर खत्म कर देता है और वो आदमी जो अकेला रह जाता है वो बोट स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर क्राउली उसे भी पकड़ लेता है और बोट के प्रोपेलर में उसका मुंह देकर उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी जस्टिन को बताता है कि उसके पास क्राउली को मारने का प्लान है। वो उसे बताता है कि क्राउली के मरने में जिन तीन बच्चों का हाथ था उनमें एक था मैरी बेथ का फादर, दूसरा उसका अंकल और तीसरा वो आदमी ट्रेंट जिसे वो डबल मनी देकर यहाँ पर लाया था। मैरी बेथ के डैड को तो क्राउली ने मार डाला और जब वो इन दोनों को भी मार डालेगा तब उसका रेवेंज पूरा हो जाएगा और क्राउली का ये चैप्टर यही क्लोज हो जाएगा और वो शॉप फिर से खुल जाएगा और उसका टूर का बिजनेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ये सब कुछ काफी देर से सोच रहा था और आखिर उन्हें विक्टर क्राउली का घर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं होती। मैरी बेथ के भाई और उसके फादर की डेड बॉडीज भी वहाँ से गायब थी। उन लोगों के साथ आए हुए एक लड़का और लड़की लेटन और एवरी बाहर होते हैं और तब एवरी को पता ही नहीं चलता क्राउली लेटन का सर ही काट देता है, लेकिन जब तक उसे पता चलता काफी देर हो जाती है और क्राउली उसे भी मार डालता है। उन हंटर्स में जॉन और वर्नॉन को झाड़ियों में से किसी की आवाज आती है और तब वो दोनों चेक करने जाते हैं और तब क्राउली एक बड़ी सी चेनसो उनके सामने लेकर आ जाता है और पहले ही बार में दोनों को बीच में से काट कर उनके दो टुकड़े कर देता है। ये सारा शोर सुनकर ट्रेंट काफी अलर्ट हो जाता है। जस्टिन और मैरी बेथ एक कमरे में छुप जाते हैं और वहाँ जस्टिन ज़ॉम्बी का सारा प्लान मैरी बेथ को बता देता है और ये सुनकर वो अपने अंकल बॉब को बचाने जाती है। तब जस्टिन जल्दी से दरवाजा बंद करके उसके आगे चेयर फंसा देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्राउली उसके पीछे ही है। वो एक बेल्ट सैंडर से उसका आधा सर काट कर उसे मार डालता है और इसके बाद वो दरवाजा तोड़कर उन लोगों पर अटैक कर देता है। वो ट्रेंट को पकड़ लेता है, लेकिन ट्रेंट किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था और वो बड़ी बहादुरी से विक्टर क्राउली का मुकाबला करता है। वो क्राउली को इतना मारता है कि मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और जैसे ही वो एक चॉपर से क्राउली को मारने लगता है बदले में क्राउली उसकी टांग ही तोड़ देता है और उसका मुंह टेबल में फंसा कर टांग मार कर सर से धड़ को अलग कर देता है। ज़ॉम्बी जबरदस्ती मैरी बेथ को घर से बाहर ले जाता है और बॉब को अंदर ही बंद कर देता है और क्राउली आकर अब बॉब को पकड़ लेता है और उसे भी मार डालता है। तब ज़ॉम्बी समझता है कि अब क्राउली का रेवेंज पूरा हो गया है और अब वो वापस नहीं आएगा। मैरी बेथ ये सब पुलिस को बताने की धमकी देती है जिस पर ज़ॉम्बी उसे शूट करने लगता है और तभी वो उसे एक बात बताती है। वो कहती है कि बॉब उसका असली अंकल नहीं था, वो उसके फादर का बेस्ट फ्रेंड था और उसका अंकल बहुत सालों पहले ब्लड कैंसर से मर गया है। ये सुनकर ज़ॉम्बी काफी हैरान हो जाता है और वो फिर अपने सामने देखता है जहाँ पर क्राउली हैचेट लेकर खड़ा था और वो जाकर सीधा उसे पकड़ लेता है, लेकिन क्राउली उसे हैचेट से मार मार कर उसके दो टुकड़े कर देता है। ज़ॉम्बी का गलत सोचना था, क्राउली मरा नहीं था और ना ही उसका बदला पूरा हुआ था। क्राउली उसकी स्पाइन पकड़ लेता है और उसके जिस्म को खाल से ही अलग कर देता है और मौके का फायदा उठाकर मैरी बेथ एक हैचेट लेकर क्राउली के फेस पर बहुत ज्यादा मारती है। वो हैचेट से उसे इतना मारती है कि उसका फेस ही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने फिंगर्स को मूव करता है और इसके बाद मैरी बेथ एक शॉटगन लेकर आती है जिससे उसके चेहरे के चीतड़े उड़ा देती है। अब एक बात तो साफ जाहिर है कि विक्टर क्राउली अभी भी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।